Hello everyone, today we will solve some extra question based on lines and angle, chapter 6 NCERT mein. Topic NCERT ka, lekin ye question NCERT ke nahi hai na, 6th chapter. First question is, kyunki NCERT mein thode limited question hai, jyada question nahi hai, to is chapter 6 ke kam se kam 3 ya 4 video mein extra bana ke dunga aapko, isme bahut sare extra question honge, to usse aap zarur kar lijiye, bahut achhe question hai. The first question, in this figure is given, this line segment L is parallel to M parallel to N. This angle is 60, this angle is 140 degree. So find the value of X. This angle is X. Okay? ये तीनों line आपस में, ये तो question था. Okay? अब इसको solve करते हैं. Solution इसका लीजिए आप. देखो L, M, N सब parallel हैं. इसको मैंने angle मान लिया 1. ठीक है? मैं आपको थोड़ा zoom करके दिखाता हूँ. ये लीजिए. Okay? अब देखो M is parallel to N. तो 140 प्लस एंगल 1 का सम कितना होगा 180 सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से बोलते हैं या एंगल ऑफ सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल तो आप सॉल्यूशन लीजिए इसे लिखोगे कि m इज पैरेलल टू n ये गिवन है हमें सो एंगल 1 प्लस 140 डिग्री इज इक्वल किसके होगा 180 सम ऑफ को इंटीरियर या सम ऑफ sum of angles of same sides of the transversal sum of angles of the same sides of the same sides of the transversal okay ye cos ho gaya to isse kya hua angle 1 ki value find ho gayi angle 1 aa gaya 180 minus 140 to kitna ho gaya 180 mein se 140 subtract karenge to 40 degree the value of angle 1 is 40 degree अब जरा फिगर दोबारा से देखो ये गई ये L M N आपस में पैरेलल है तो यानी कि L पैरेलल टू N भी होगी और जब L पैरेलल टू M है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर है ना दो लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 60 और ये पूरा एंगल क्या होगा 1 प्लस x है ना तो लिखो L इज पैरेलल टू N सिंस L इज पैरेलल टू N सो एंगल 60 जो है किसके इक्वल होगा एंगल 1 प्लस x इस पूरे एंगल के अगर इसको कुछ नेम डालना चाहो तो नेम डाल के ले सकते हो कि a b c d तो एंगल a b c इक्वल टू एंगल b c d ऐसे भी कर सकते हो है ना तो आपको समझ आ गया ना ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा और ये पूरा एंगल किसके बराबर है एंगल 1 प्लस x और cos के लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दीस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो एंगल 60 इज इक्वल टू 1 1 हमने ऊपर निकाला था 40 डिग्री प्लस x तो x वैल्यू निकला ही 60 माइनस 40 इज इक्वल x सो वैल्यू ऑफ x विल बी 20 डिग्री यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में ओके नाउ नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन AB पैरेलल टू DE In the given figure, AB parallel to DE. Find the value of X. ये angle find करना है. This angle is given 55 degree. This reflex angle is given to 155. This point C, this point D. तो X की value find करनी है. क्या दिमाग में आता है? क्या समझ में आता है? क्या करें? चलिए मैं बताता हूँ. देखो angle BCD निकाल सकते हो. BCD ये angle क्या होगा? 360 में से 255 बढ़ा दें. तो C निकलेगा. तो सबसे पहले ये निकाल लो. Solution इसका लो. Angle BCD is equal 360 minus 255 ये आ गया 105 डिग्री अरे पूरा एंगल सर्किल होगा इसमें से 255 घटा दें अंदर और बचेगा नहीं बचेगा वही हमने निकाल लिया 105 डिग्री अब जरा इस लाइन सेगमेंट को पीछे अगर मैं बढ़ा दूं हमने बढ़ा दिया ओके बात समझ में आ रही नहीं आ रही है तो इसको कुछ नाम दे देते हैं इसे आगे बढ़ाया ये कुछ भी नाम दे दो A, B, C, D, E, F नाम दे दिया मैंने इसको चलो तो ये एंगल निकाल सकते हो एंगल B, F, C कैसे देखो एंगल B, C, D क्या है एक्सटीरियर एंगल एंगल B, C, D किसके बराबर होगा एंगल B और एंगल F के बात समझ आ रही है कोई ट्राइंगल है देखो इस वाले फिगर में ये है हम एक साइड को डालते एक्सटीरियर एंगल होता है ये क्या होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इस एंगल प्लस ये एंगल कितना दे रखा है सी जो हमने निकाला 105 ठीक है ना और ये कितना है ये रहा 55 तो 55
105 में से 55 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये निकल आएगा, ये प्लस ये इक्वल टू दिस एंगल, बस समझ में आ गई, वही लिख लो। तो एंगल बी, बी कितना दे रखा है 55 प्लस एंगल वी एफ सी, वी एफ सी इज इक्वल 105 डिग्री। ये कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दो एक्सटीरियर एंगल, बस इतने से चल जाएगा। वैसे क्या है एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है? इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ओके। इससे बी एफ सी निकलाया, एंगल बी एफ सी इज इक्वल 105 माइनस 55, तो कितना हो गया, 5 में से 5 गिजे और 10 में से 5 गए 50, तो एंगल बी एफ सी निकलाया हमारे पास, एंगल बी एफ सी की वैल्यू आ गई 150, ओके। अब ये एंगल मालूम है हमें, ये मालूम, ये लाइन पैरेलल, यहाँ दोबारा से देखें, दो लाइन पैरेलल हो तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, ये हमने निकाल लिया कितना 50, ये वैल्यू कितनी देर की x, तो समझ गए x प्लस 50 इक्वल टू 180, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी 130। इसमें कौन सी, ये लाइन कौन सी थी v, ये पॉइंट f, ये है e, ये है d, तो ये लाइन इसके पैर, ये गई, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये एंगल हम निकाल चुके और ये x है, तो x प्लस 55 इक्वल टू क्या होगा 180, कौन से एंगल कहते हैं सम ऑफ, अभी जो ऊपर लिखा था सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, अब मैं ये लिखूंगा बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी, सो एक्स प्लस 55 इक्वल टू 180, समझ में आ गया ना, चलिए लिखते हैं। तो वो मैंने लिख लिया कि ए बी पैरेलल टू डी, सो एक्स प्लस 55 इज इक्वल 180 डिग्री, कॉस क्या लिख दिया सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, इससे एक्स की वैल्यू निकलाई, यही फाइंड करनी थी हमें, तो एक्स इज इक्वल टू ये 50 निकल के आया, सॉरी 180 माइनस 50, वैल्यू ऑफ एक्स इज 130 डिग्री, इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है और कुछ नहीं लिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एरो बनने, एरो का मतलब जानते हो, अगर सिंगल एरो है तो वो लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती, अगर टू एरो कहीं होते तो वो लाइन आपस में पैरेलल होती, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो एंगल दे रखा है 4x माइनस 10 और ये जो एंगल दे रखा है 3x प्लस 3 डिग्री और ये पूरा 91, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इस पॉइंट से ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, समझ में आ गया, इस एंगल को नाम दे दो यानी पूरे को 1 और इस एंगल को नाम दे दो, तो एंगल 1 प्लस 2 मिलकर 91 हो जाएगा, क्योंकि एंगल पूरा कितना दे रखा था मैं 91, ठीक है ना, क्लियर। अब ये देखो हम दो लाइन पैरेलल करी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मैं अलग से फिगर दोबारा बनाता हूं, देखो ये फिगर दे रखी थी हमें, ये है और ये और ये एंगल 91 दे रखा है, ऊपर लिख लिया उसको मैं यहां नहीं लिख रहा, ये आगे बढ़ा दी हमने, थोड़ी कम थी, ये एंगल दे रखा है 4x माइनस 10 एंड दिस एंगल इज गिवेन 3x प्लस 3, ओके क्लियर। ये दोनों लाइन आपस में पैरल हैं, तो हमने क्या रहा एक लाइन इसके पैरल ड्रॉ कर ली, तो तीनों आपस में पैरल होंगी क्योंकि ये इसके पैरल है, ये हमने इसके पैरल ड्रॉ करी है और ये इसके पैरल, तो ये इसके ही पैरल होगी, ये तो सिंपल सी बात है। ये एंगल मान लिया हमने 1 और ये एंगल मान लिया हमने 2, क्लियर। चलो मैंने इनको नाम भी दे दिया, ये एल एम एंड नाम दे दिया, तो देखो क्या हुआ L पैरल टू M पैरल टू N हो गई, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो एंगल वन किसके इक्वल होगा, इसके होगा क्यों, करस्पोंडेंस एंगल, करस्पोंडेंस एंगल क्या होते हैं, इधर देखिए दो लाइन पैरल हो एक ट्रांसवर्सल हो, तो लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इस लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के ऊपर सेम साइड हो तो कहलाते हैं करस्पोंडेंस एंगल, है ना। तो लिखोगे एंगल वन इज इक्वल टू 4x माइनस 10, बस कॉस लिखना है, क्यों, बिकॉज दीज आर करस्पोंडिंग एंगल, ओके। सिमिलरली देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, दोबारा देख लो फिगर से, ये दो लाइन पैरेलल हैं ये और ये ट्रांसवर्सल है, तो लाइन के नीचे और लाइन के नीचे और सेम साइड, तो ये भी करस्पोंडेंस हो गए, ये एंगल है ना, तो ये करस्पोंडेंस एंगल होंगे, तो एंगल टू की वैल्यू क्या होगी, एंगल टू इज इक्वल 3x प्लस 3, दीज आर ऑल्सो करस्पोंडिंग एंगल, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या है, ये पूरा एंगल कितना दे रखा था फिगर में 91 डिग्री, ये था ऊपर,
ये कितना था पूरा 91, और 1 कहां से आएगा, 1 प्लस 2 मिलकर आएगा 91, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 91 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, एंगल 1 की वैल्यू क्या है 4 डिग्री, तो आप बाद में भी लिख सकते हो सॉल्व करके इक्वेशन में, जब हम सॉल्व करें तो कोई जरूरत नहीं डिग्री लगाने की। प्लस एंगल 2, द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इज 3x प्लस 3 इज 91, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x, माइनस 10 प्लस 3 यानी कि 3 में से जब 10 सबट्रैक्ट करेंगे माइनस 7, ओके या तो 7 से डिवाइड कर लो या 7 को सामने ले जाओ, कुछ भी कर लो, 91 प्लस 7 तो 7x इज 98। अब 7 से डिवाइड कर दें तो x इज 98 अपॉन 7, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 7 बन जा 727 फोर जा, तो x की वैल्यू आ गई 14, एंगल है तो डिग्री ले सकते हो, ओके खाली इसमें एक्स की वैल्यू पूछी थी, ओके तो एक्स इज इक्वल 14 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, अभी और सवाल करेंगे और काफ़ी अच्छे सवाल, 3 या 4 वीडियो इसकी कम से कम बनेंगी, तब जाके आप लोग समझे कि आपकी लाइंस और एंगल हुई है, क्योंकि खाली एनसीईआरटी की बेस पर उसमें बहुत कम सवाल है, 6-6 सवाल थे हर एक्सरसाइज में, तो इससे कुछ काम नहीं होने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज इन द गिवन फिगर एंगल ए, दिस एंगल इज गिवन एक्स प्लस 8 डिग्री, एंगल बी जरा 2x प्लस 3 डिग्री, एंड बी सी डी एक्सट्री एंगल दे रखा है 5x माइनस 11 डिग्री, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी सी डी, ये निकालना है। तो अगर हम किसी तरह x की वैल्यू फाइंड कर लें तो x वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो अभी करा था हमने कि क्या इस ट्रायंगल एबीसी का एक्सट्री एंगल है, और एक्सट्री एंगल का सम किसके, सॉरी एक्सट्री एंगल किसके इक्वल होता है अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के सम के, ये तो आप जानते हो, है ना, क्लियर। तो वही लिखेंगे कि बी सी डी इक्वल टू, सॉल्यूशन लो इसका, एंगल बी सी डी इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, बिकॉज वी नो डेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ टू अपोजिट्स इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट्स को डबल पी लिख देते शॉर्ट में, इंटीरियर एंगल्स की कॉस लिख दिया, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। बीसीडी की वैल्यू क्या है 5x माइनस 11, तो 5x माइनस 11 डिग्री इज इक्वल ए, ए की वैल्यू x प्लस 8 डिग्री प्लस बी, और बी की वैल्यू है 2x प्लस 3 डिग्री, तो कितना हो गया 5x माइनस 11 डिग्री, x प्लस 2x 3x, और 8 प्लस 3 11 डिग्री। अब तो आपको जानता है x को ट्रांसफर कर दे लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x 2x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 3x, और 11 सामने जाएगा तो 11 ये है प्लस 11 ये है, ओके 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x इज इक्वल 11 22, तो वैल्यू ऑफ x 2 से डिवाइड करेंगे 22 में तो 11 टाइम्स, तो x की वैल्यू निकलाई x इज 11, तो एंगल बी सी डी किसके इक्वल दे रखा था 5x माइनस 11, जरा फिगर में देखो 5x माइनस 11, बस x की वैल्यू पुट कर दें तो एंगल बी सी डी इज इक्वल 5x माइनस 11 डिग्री, तो 5 इंटू 11 माइनस 11 55 माइनस 11, और 55 में से 11 गया सबट्रैक्ट करा तो 44 डिग्री, इट इज द आंसर। वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी विल बी 44 डिग्री, ओके। तो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन ही हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेंगे, है ना, जितने हो जाएंगे कम से कम 3-4 वीडियो, कम से कम मैं इसके 20-30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा, तब जाके आप लोग समझिए कि आपकी लाइन्स और एंगल हुई है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि आगे का पार्ट जब भी डालूंगा मैं अपलोड करूंगा तो आपका मिस ना हो, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस।